अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ नीलूफर सरवर अंसारी और आज हम आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो है फ़िश फ्राई की। और बहुत ही डिफरेंट है ये। हमारी जितनी भी रेसिपीज़ आप अगर देखेंगे तो सारी ही डिफरेंट हैं। इसके पहले भी हमने फ़िश तवा फ्राई की रेसिपी दी थी आपको, बहुत मज़ेदार बनती है, आप उसे भी ट्राई करना। और ये जो हम आपको रेसिपी बता रहे हैं ये हमारे बचपन से हमने अपने घर में खाया है, अम्मी अक्सर बनाती थी और ये विलेज की सीक्रेट रेसिपी है। और ये फ़िश फ्राई हम भी अपने घर में बनाते हैं, सबको बहुत पसंद आती है। तो अगर आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह रहमान के साथ शुरू करते हैं। इसे रोहू फ़िश के साथ ही बनाएं। और एक किलो रोहू फ़िश ली हमने, उसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था और धो लिया था और इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। और जो मसाले हैं इसमें हमने 40 हरी मिर्चें ली हैं। सोच रहे होंगे कि 40 हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये जो फ़िश है थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप बहुत कम खाते हैं मिर्चें तो फिर आप कम ले लें, वरना ये थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है ज़्यादा, तो आप स्पाइसी बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। और जो हरा धनिया इस्तेमाल करें वो गावटी होना चाहिए यानी खुशबू वाला, वो हमने एक कप लिया है। उसकी डंडियाँ भी ले ली है साथ में। और 4 टेबल स्पून लहसुन के जवे ले लें या 2 घट्टी लहसुन जो होती है वो ले लें। और इसके बाद हमने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा ले लें। इसको हमें मोटा मोटा सा पीसना है इस तरह से, इसे बिल्कुल भी बारीक ना पीसें क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो मछली को हमने अच्छे से साफ कर लिया था, धो लिया था, अब इसमें हमने एक नींबू का रस ऐड कर देना है। बहुत बड़ा वाला नींबू ना लें, मीडियम साइज़ का नींबू लें। और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर दे रहे हैं और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे एक घंटे के लिए साइड में रख देंगे। अब एक घंटे बाद हमें इस मसाले को ऐड कर देना है मछली में। और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 6 घंटे के लिए रखना है हमें। अगर आपको सुबह बनाना है तो आप रात को मैरिनेट करके रख दें, और अगर आपको रात में बनाना है तो आपको सुबह इसे मैरिनेट करके रखना होगा। अगर आपने इसे फ़ौरन बनाया तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनेगी। या आप इसे 5 से 6 घंटे तक भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख दें इसे। अब हमने बेसन लिया है 1.5 कप और इसे छान लें अच्छी तरह से, छानना ज़रूरी है। अब इसमें नमक ऐड कर दें स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करें। इसमें आपको नमक इतना ही ऐड करना है जितना बेसन है उस हिसाब से, क्योंकि हमने मछली में भी नमक ऐड किया था तो इस बात को अच्छी तरह याद रखें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें फ़िश को इसमें लपेट के फ्राई करना होगा। अब जो मसाला है वो फ़िश में अच्छी तरह से जज्ब हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, तो हमने थोड़ा कम तेल इस्तेमाल किया है। इसे बेसन में इस तरह से लपेट दें हर तरफ से, और फिर इसे जब तेल गर्म हो जाए तो गैस को स्लो कर दें बिल्कुल, और इसे हमें स्लो आंच पे फ्राई करना है। इस बात का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें वरना जो फ़िश है वो कच्ची रह जाएगी। तो बहुत ही स्लो आंच पे इसे हमें फ्राई करना है। इसी तरह आपको सारी फ़िश बेसन में लपेट के फ्राई करते जाना है। जब फ़िश एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसे पलट दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आंच स्लो हो। आप देख रहे हैं कि कितनी स्लो आंच पे फ्राई हो रही है ये फ़िश। इसे अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए, हल्की ब्राउन होना चाहिए दोनों तरफ से, और ये थोड़ी क्रिस्पी लगेगी। और इसे गर्मा गर्म सर्व करना है, पहले से तल के ना रखें, तो इस बात का ध्यान रखें। हमने फ़िश को हर तरफ से फ्राई कर लिया है, अब हम इसे निकाल देंगे।
देखें कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है हर तरफ से। अब जो फ़िश है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आपको सारी फ़िश फ्राई कर लेनी है और गर्मा गर्म सर्व करना है। और हमें कमेंट ज़रूर करें जब आप इस फ़िश को बनाएं तो, और जो भी आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर करा करें। और जो नए देखने वाले हैं वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ हम आपके साथ और भी शेयर करेंगे, तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।